आज हमारे राज्य के यशस्वी महामहिम राज्यपाल महोदय श्रद्धे लाल जी टंडन हमें छोड़कर चले गए। आज सवेरे 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से वो अस्वस्थ थे। जब यहां से वो लखनऊ रवाना हुए थे तो मुझे उन्होंने बुलाया था और पूछा था मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कब आना है। मैं एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए लखनऊ जाना चाहता हूं। मैंने उनसे सहजी कहा था कि एक सप्ताह आप बेशक चले जाइए, लेकिन 18-19 तारीख तक आप लौट आइए, आपको मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों को शपथ दिलानी है। वहां जाते ही वो अस्वस्थ हुए। चेकअप के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी बाकी साथियों के साथ उनको देखने अस्पताल भी गया। वेंटिलेटर पे थे वो लखनऊ में, लेकिन उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। डॉक्टर्स को तब भी उम्मीद थी कि उनमें अदम्य जिज्ञासा है और वो स्वस्थ होंगे। आज सवेरे हमें ये दुखद समाचार 5:30 बजे मुझे मिला। जीवन भर वो राष्ट्र सेवा में लगे रहे, हर एक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। माननीय टंडन जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक थे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में भले उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, 29 जुलाई को उन्होंने पदभार यहां संभाला था और आज 21 जुलाई है। साल भर पूरा होने को था, लेकिन उन्होंने सदैव हमें जनहित में मार्गदर्शन भी दिया, प्रेरणा भी दी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके नवाचार थे उनसे बहुत उम्मीदें थी और मैं तो मानता था कि उनके गवर्नर रहते हुए उच्च शिक्षा की सरकार को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं इतने चिंतित रहते थे। जो मित्र राजभवन गए हैं उस दौरान उन्होंने राजभवन में गौशाला प्रारंभ की थी और गौशाला भी उनका जो मूल मंत्र था कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है, बिना किसी सहायता के कैसे चल सकती है, गोमूत्र, गोबर और बाकी सब चीजों के बारे में वो विस्तार से बताते थे और वो कहते थे इस प्रयोग को भी असफल करके बताना। लखनऊ से वो लौट के नहीं आ सके। 12 अप्रैल 1935 को उनका जन्म हुआ था। 7 दशक तक, 70 साल तक सार्वजनिक जीवन को उन्होंने बड़ी जीवंतता के साथ जिया। समाज के हर वर्ग से उनके गहरे संबंध थे और सबको साथ लेकर चलने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई प्रयोग हुए, बीच में भाजपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, उसको सूत्रधार और उसको चलाने वाले व्यक्तित्व का नाम अगर कोई था तो वो श्रीमान लाल जी टंडन थे। 1978 में विधान परिषद में पहुंचे थे और विधान परिषद के नेता के रूप में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया। 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 3
बार फिर विधानसभा के लिए चुने गए और नेता प्रतिपक्षी रूप में थे। उन्होंने विरोध के स्वर कैसे होते हैं ये करके दिखाया और शालीन रहकर भी सरकार का कैसे विरोध किया जा सकता है और जन आवाज सुनने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है ये उन्होंने सिद्ध किया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री के नाते उनका हर कदम प्रगति की एक नई दास्तान बनता चला गया। रोज उन्होंने नए कीर्तिमान रचे। पांच बार वो मंत्री रहे, ऊर्जा, आवास, पर्यावरण, नगर विकास, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे। अपने प्रशासनिक कौशल, अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से टंडन जी ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया। इन विभागों की दशा और दिशा बदलने का काम किया। मंत्री के रूप में उनके किए गए सुधार और बदलाव अविस्मरणीय है। अंत्योदय की भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की अवधारणा को उन्होंने जमीन पर उतारा। 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया में गरीब तबके को कैसे मकान का मालिकाना हक मिले इसकी योजना उन्होंने साकार की। वहां आवास के साथ एक फलदार वृक्ष और एक दुधारू पशु ये दैनिक परंपरा उन्होंने वहां प्रारंभ की। वृक्ष भी लगेगा और एक दुधारू पशु भी गरीब को दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के काम उन्होंने बड़े पैमाने पर किए। सामुदायिक केंद्र, रैन बसेरे, मलिन बस्तियों का कायाकल्प और मथुरा वृंदावन में खारे पानी की समस्या का समाधान उनके बड़े कामों में से है। लोक कल्याण के लिए उन्होंने और भी ऐसे काम किए। गोवध निषेध का कानून उत्तर प्रदेश में माननीय लाल जी टंडन साहब ने बनवाया। हरिद्वार में आप हरी की पौड़ी गए होंगे, 5 किलोमीटर का जो घाट बना हुआ है और कुंभ के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की, अभी 5 किलोमीटर घाट जो बना है उसको तो हम सबने स्नान किया होगा और कुंभ की ऐसी व्यवस्थाएं की कि हर बार कुंभ में फिर व्यवस्थाएं करने की जरूरत नहीं थी। और अयोध्या मामले के प्रभारी रहते हुए 42 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का काम जिस तत्परता और संकल्पबद्धता के साथ टंडन जी ने किया उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जीवन में असंभव को संभव बनाने का काम वो सदैव करते रहते थे। 2003 में उनके द्वारा एक साथ 1001 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का विश्व रिकॉर्ड बना और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज किया गया। एक बड़ी विशेषता यह थी कि राजनेता के साथ साथ वो हमेशा समाज सेवक बने रहे, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक भी रहे और मानवता के लाडले सपूत के रूप में उनको देखा गया। लखनऊ में होली के शालीन जुलूस को उन्होंने पुनर्जीवित किया। सार्वजनिक कवि सम्मेलन, मुशायरे, ये लखनऊ की अपनी एक अलग पहचान थी। इस पहचान को उन्होंने न केवल बरकरार रखा बल्कि इन सब कार्यक्रमों में लोग जीवंतता के साथ उपस्थित रहते थे। इमरजेंसी में जल गए, भारी प्रताड़नाएं सही। टंडन जी सर्वप्रिय थे और अटल जी के लेकर सहयोगी थे। वो स्पीड से आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर अटल जी, अरवानी जी। अटल जी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र का लखनऊ का पूरा चुनाव से लेकर विकास तक
उन्हीं के पास रहता था और 2009 में वो फिर सांसद विभाग से चुने गए। लेकिन उनके बाकी लोगों से भी बहुत जीवंत रिश्ते थे, बाकी दलों के लोगों से। आदरणीय नानाजी देशमुख हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, इन सारे महान नेताओं से उनके अत्यंत निकट और पारिवारिक रिश्ते रहे। स्मृतियां अनेकों हैं, काम बहुत है। और राज्यपाल के रूप में हम भी, जब हम में से कोई भी मिला, एक अलग आत्मीयता झलकती थी। और हम सोच के जाते थे कि 5-10 मिनट में वापस आ जाएंगे गवर्नर साहब से मिलके, लेकिन कभी भी 5-10 मिनट के लिए गए, 1 घंटा से कम में, आधा घंटा से कम में कभी लौटे नहीं। खाने के और खिलाने के वो बहुत शौकीन थे, शायद बिना खाए आने नहीं देते थे। उनके दुखद निधन पर सारा प्रदेश शोकाकुल है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता शोकाकुल है। हमारे गवर्नर साहब आज तक गवर्नर ही थे, उनके सम्मान में 5 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। राजकीय शोक में जो व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज झुका रहेगा, कोई मनोरंजनात्मक कार्यक्रम नहीं होंगे, इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप निर्देश जारी किए जाएंगे। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में आज शाम को 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। प्रदेश की जनता की ओर से मैं स्वयं उनके निवास पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाऊंगा। कोरोना की गाइडलाइन के कारण अंत्येष्टि स्थल विश्राम घाट स्थल पर, क्योंकि सीमित लोगों को ही जाना है, इसलिए निवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज यहां श्रद्धांजलि देने के बाद उनके सम्मान में सभी शासकीय कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। हमारी कैबिनेट की बैठक भी श्रद्धांजलि के बाद हम स्थगित करेंगे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। कुंदन जी, हम स्मृतियों में आपको सदैव